प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले। प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले, 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 दिल में बसा ले। प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले। प्यारे यीशु को पास बुला के मन के पाप मैल धो के चुटा ले। प्यारे यीशु को पास बुला के मन के पाप मैल धो के चुटा ले। सदा ही उसे चुन के अपना दोस्त बना ले, सदा ही उसे चुन के अपना दोस्त बना ले। बुला के प्यार दिल में बसा ले, प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले। सबके मालिक यीशु भगवान, सबके मालिक यीशु भगवान, उसको धन्यवाद जो दिल का मेहमान, उसको धन्यवाद जो दिल का मेहमान। धर के लगन मस्त मगन नाम सुमर ले, धर के लगन मस्त मगन नाम सुमर ले। बुला के प्यार से दिल में बसा ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले। प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले। पाप जाल से हमको बचा ले, पाप जाल से हमको बचा ले, स्वर्ग राज का मार्ग बता दे, स्वर्ग राज का मार्ग बता दे। सदा ही उसे चुन के अपना दोस्त बना ले, सदा ही उसे चुन के अपना दोस्त बना ले। अभी जल्दी, प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले। प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले, 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 दिल में बसा ले। हालेलुया, बैठिए। आइए अभी आप लोग प्रेरित, प्रेरिताई काम करने के लिए बुलाया है, कैटेकिस्ट है और प्रभु का चुना हुआ लीडर लोग है। हम लोग आज एक अनोखी बात सीखा है, जिसके पास कुछ है उसको उसको और दिया जाएगा।
ये बहुत अच्छा एक वचन है। हे प्रभु तूने कहा है, तूने कहा है जो कुछ तुम्हारे पास है तो तुमको और ज्यादा देगा, इसलिए दीजिए प्रभु। देखो मैं और मेरा परिवार सब प्रभु के लिए सेवा में है और मैं प्रभु में विश्वास करते हैं, मैं प्रभु के लिए सब कुछ करते हैं, इसलिए मुझे दे दो दे दो दे दो दे दो, क्या दे दो और ज्यादा दे दो। तो प्रभु तुरंत ज्यादा देगा, क्यों ज्यादा देगा, तभी तो उनका काम होगा तभी तो उनका काम होगा। तो इसमें एक चीज और याद रखना चाहिए, देखो हमारे प्रेरिताई काम पर बहुत सारे लोग प्रेरिताई काम करता है, बहुत सारे प्रोटेस्टेंट लोग भी प्रेरिताई काम करता है, लेकिन वो प्रोटेस्टेंट लोग भी हमारे भाई बहन है, लेकिन प्रोटेस्टेंट लोग और कैथोलिक कलेसिया लोग में क्या फर्क है, कुछ फर्क है? सबसे बड़ा फर्क हमारे कलेसिया, हमारे कलेसिया में ये पवित्र संस्कार के द्वारा हम प्रभु का अनुग्रह ज्यादा मिलता है, पवित्र संस्कार। जैसे मिसा बलिदान और बाप्तिस्मा संस्कार और दृढ़ीकरण संस्कार और पाप स्वीकार संस्कार, ये सब संस्कार में कैसे प्रभु का अनुभव हमको मिलता है, इसके लिए उसको इंग्लिश में बोलता है सैक्रामेंटल इकोनॉमी। देखो ये किताब बहुत जरूरी है, आप अगर कुछ थोड़ा थोड़ा इंग्लिश जानता है तो ऐसा एक किताब खरीदना चाहिए, कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च। अभी मैं इसमें से कुछ पैराग्राफ आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेशन करा के रखा है आपको सिखाने के लिए। मैं मिसा के बारे में जो बताया तो मैं जल्दी से पढ़ के आपको सुनाया, उसको थोड़ा सा और सावधान में आपको सिखाना चाहता है। इसका नंबर है 1076, सैक्रामेंटल इकोनॉमी। मैंने कहा ना जो पेट्रोल रिफाइनरी में पेट्रोल बहुत सारा है लेकिन रिफाइनरी से नहीं मिलता है, उसको वितरण व्यवस्था है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो प्रभु ने उनका आगमन मतलब शरीर धारण और पास्का उनका दुख भोग मरण पुनरुत्थान स्वर्गारोहण द्वारा हम सबों को बहुत सारा अनुग्रह देने के लिए इकट्ठा किया है, लेकिन ये अनुग्रह सिर्फ मांगने से नहीं मिलता है, ये अनुग्रह हमारे और पहुंचाने के लिए एक व्यवस्थित ही प्रभु ने बनाया। ये एक बार हमको समझ में आने से ना, ये संस्कार के बारे में बहुत अच्छा एक अच्छा अनुभव हमें होगा। उसमें अभी मैं तीन बात उसमें हम लोग समझना चाहिए। संस्कार मतलब जो 2000 साल के पहले जो हुआ है प्रभु ईसा मसीह का आगमन और उनका दुख भोग मरण पुनरुत्थान, उसको बोलता है कि रहस्य पास्का का रहस्य, नहीं तो सल्वेशन मिस्ट्री और पास्कल मिस्ट्री, ऐसा बोलो पास्कल मिस्ट्री। ये रहस्य है, ये हमारे बुद्धि भावना
को कुछ नहीं समझेगा, वो एक रहस्य है। लेकिन उस रहस्य इसीलिए हुआ है कि उसके द्वारा हम सबों को बहुत कृपा कृपा मिलेगा। कैसे मिलता है कृपा? देखो, बहुत ध्यान से सुनो। प्रभु ने कहा, ये तुम लोग मेरा स्मरण में किया करो। मेरा स्मरण में, ये स्मरण मतलब क्या है? हम लोग बर्थडे, हमारा जन्मदिन का स्मरण करता है ना। जन्मदिन का स्मरण करने से फिर जन्म होता है क्या? जन्मदिन का स्मरण करने से हम केक बांटता है, बहुत त्योहार करता है, लेकिन जन्म तो वही जन्म है। जन्मदिन का धन्यवाद देता है, वैसा नहीं है ये स्मरण। यहां पर दूसरा कोई भाषा नहीं है उसके लिए। ये स्मरण मतलब संस्कारिक रीति से, जो प्रभु ने प्रत्येक रूप में आयोजित किया पवित्र संस्कार के अंदर, जैसा मिसा बलिदान संस्कार के अंदर हम उसको स्मरण करते वक्त उसी घटना यहां पर पुनर आविष्करण होता है। वही एक ही बलिदान है, बलिदान एक ही है, लेकिन वो एक बलिदान उसी दिन का लोगों के लिए सिर्फ नहीं, किसके लिए हुआ है? समस्त संसार के लिए किया है। इसीलिए उस बलिदान में से जो पाप क्षमा हुआ है वो हम सबों को भी मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि प्रभु ने संसार का मुक्ति दादा है। इसीलिए प्रभु ने यह व्यवस्था किया है कि ये संस्कार बनाया है कि जब प्रभु ने चुना हुआ पुरोहित के द्वारा, प्रभु ने दिया हुआ प्रार्थना द्वारा कलेसिया के अंदर, कैथोलिक कलेसिया के नियम के अनुसार यह प्रार्थना करते वक्त उसी दिन प्रभु यीशु ने जो कुछ भी दुख भोग और मरण पुनरुत्थान हुआ है वो फिर यहां पर अनुभव होता है। ये बात दूसरा कोई जगह पर नहीं, ये सिर्फ कैथोलिक कलेसिया में है। वो कैसे अनुभव होता है? ये पैराग्राफ 1076 में मैंने जो पढ़ा था उसको और एक बार मैं समझाता हूँ। 1076 सिर्फ उसमें से थोड़ा सा भाग मैं बढ़ाता हूँ। ये संस्कार द्वारा तीन चीज होता है, तीन चीज ये है, अपना उद्धार प्रकट किया और प्रस्तुत किया और बांट देता है। ये तीन कार्य, मतलब ये संस्कार द्वारा प्रभु ईसा मसीह के द्वारा जो कुछ भी रहस्यमय रक्षा का विधान हुआ है उसको प्रकट होता है। एक पायलटिट प्रकट होता है, प्रभु ईसा मसीह हमारे लिए वो प्रकट करके देता है। उसके बाद उसी में प्रकट किया और उसी में प्रस्तुत किया, उसमें प्रभु ईसा मसीह
फिर आ जाता है, जैसा कि पुरोहित ये रोटी लेकर प्रार्थना करते हुए बहुत भक्ति भाव से वही वचन जो प्रभु यीशु ने संस्कार का स्थापना का समय पर बोला, यह मेरा शरीर हो, तब क्या होता है, तब क्या होता है, प्रभु यीशु यहाँ पर उस शरीर होकर यहाँ पर उपस्थित फिर आता है। वो क्यों आता है? हम सबों को देने के लिए, उनका शरीर रक्त हम सबों को देने के लिए। वो सिर्फ एक सिंबॉलिक नहीं, वो हकीकत में सचमुच में प्रभु यीशु का पुनरुद्धित शरीर और रक्त है। ये रहस्य हम बहुत भक्ति से, प्रेम से, आदर के साथ समझना चाहिए, तब ऐसा अनुभव होगा। क्या बोलेगा? और जब पवित्र आत्मा की आगमन हो, हे पवित्र आत्मा उतराइए, ऐसा प्रभु पुरोहित प्रार्थना करते वक्त पवित्र आत्मा सिर्फ रोटी और द्राक्ष में नहीं, हम सबों पर फिर आ जाता है। और ये तीन चीज होता है, क्या है तीन चीज? वो प्रकट कराता है और प्रसन्न करता है, मतलब वो यहां पर प्रस्तुत होता है और बांटता है। तीन कार्य। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं देता हूं, जो भी मांगता है तो मैं इसको आपको फॉरवर्ड कर सकता है। मैं व्हाट्सएप नंबर 9447196033 आप लिखिए और मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए व्हाट्सएप में। मैं 9447196033, सब जो लिखना चाहिए तो लिखो 9447196033। आप मुझे व्हाट्सएप में संदेश दे दो, ऐसे ही बोलते हुए संदेश दे दो, लिखना सब मुश्किल है, बोलते हुए संदेश दे दो। और जब भी आपको कुछ भी तकलीफ हो तो आप संदेश दे दो, प्रार्थना चाहिए तो मैं एक दिन के अंदर उसके लिए जवाब दे दूंगा। और आप लिखना चांदा चांदा से, चांदा डायसिस से, आपका नाम भी लिखना तो मैं उसके सेव करेंगा। और खास करके ये हिंदी में जो मैं ट्रांसलेट किया है इसको मैं आपको भेज दूंगा, तो आप पढ़कर उसको मनन कर सकता है। आजकल ये तो आज नाश्ता करने के समय मुझे ऐसा सोचा कि देखो ये इतना खास बात है तो इन लोगों को पढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तुरंत मैं मेरा टीम लोगों के लिए लिखा, देखो इसमें से ये सब गूगल ट्रांसलेट करके मुझे भेजो, टक टक करके मुझे भेजा। वो लोग यहाँ पर पहले था, उनका नाम है बीनू और सनी, वो यहाँ पर पहले रहता था, वो मेरा टीम में है, वो लोग मेरे लिए प्रभु का काम कर रहे हैं दिन रात आराधना करते हुए। अच्छा, और एक दो मैं बताता है, खास हमारा विश्वास बढ़ने के लिए दो तीन खास बात कलेसिया का सिखावत हम सीखना चाहिए। हमें प्रभु
प्रचार करने के लिए दिया, अपने अंदानी अंदाजी से जो समझता है वो नहीं प्रचार करना है। कलेसिया हमारे लिए शिक्षण देता है। मैं जो कुछ भी आपसे आपको कहता है वो सब कैथोलिक कलेसिया का सिखावत है। तब हम लोगों को बहुत ताकत होगा, हमारा विश्वास दृढ़ होगा, विश्वास दृढ़ बनेगा। अभी ये किताब अभी हिंदी में बन रहा है, अभी तक नहीं बना, लेकिन हम लोग अभी गूगल ट्रांसलेशन करते हुए जो कुछ जो हमारे लिए जरूरी चाहिए वो लेने लेकर हम पढ़ना चाहिए। देखो हाँ मराठी में मिल सकता है क्या? हाँ बहुत अच्छा। तो अभी ये सुविधा है कि जो नंबर मगर मिला तो वो इंग्लिश पर कॉपी कर गूगल में लेके कौन सा भाषा चाहिए उसमें ट्रांसलेट करें। थोड़ा सा इधर उधर फर्क होगा लेकिन अपना काम हो जाएगा। सो और एक दो चीज़ मैं बताना चाहता है कि कृपा, कृपा क्या होता है वो नंबर कैटेगरीज़ में नंबर 1997 में लिखा है। कृपा क्या है 1997 ग्रेस। मेरा किताब इतना पुराना हो गया देखो टुकड़ा टुकड़ा होने लगा हो इतना मैं इससे काम करता है ये ग्रेस कृपा। कृपा ग्रेस इज ए पार्टिसिपेशन इन द लाइफ ऑफ गॉड। उसके लिए इसमें लिखा है अनुग्रह, ईश्वर के इधर अनुग्रह बोलता है कृपा, ईश्वर के जीवन का एक हिस्सा है। हिस्सा ये ट्रांसलेशन में ऐसा आया, मतलब दूसरा हम ऐसा बोल सकते हैं ईश्वर का जीवन में सहभागी बनता है, पार्टिसिपेशन इन द लाइफ ऑफ गॉड। ईश्वर का जीवन में हम सहभागी बनता है, ये ट्रांसलेशन में ऐसा आया। अनुग्रह मतलब यानी कि कृपा ईश्वर के जीवन का एक हिस्सा है, यह हमें मूर्त के जीवन पवित्र 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 त्रित्व पवित्र त्रित्व के जीवन के सहभागिता में लाता है। कृपा हमें पवित्र त्रिएक ईश्वर का जीवन के अंदर ले आता है सहभागिता में। और ये हमें सबसे ज्यादा पवित्र बाप्तिस्मा द्वारा मिलता है। ओके ये कृपा का अर्थ समझने से सब प्रार्थनाओं को बहुत नया एक अनुभव होगा, बहुत नया अनुभव होगा। पता नहीं थोड़ा एक मिनट है कौन है। ओके उसके बाद अभी और एक समझ आना चाहिए दूसरे एक चीज स्वर्ग। स्वर्ग स्वर्ग कहाँ होता है, स्वर्ग क्या होता है? हम लोग बोलते हैं स्वर्ग में निवास पिता। तो स्वर्ग मतलब इसमें 1024 कलेसिया का कैटेगरीज़म 1024
इसमें ये लिखा है स्वर्ग स्वर्ग पवित्र त्रिएक ईश्वर के साथ एक परिपूर्ण जीवन जीवन का मिलन और वर्जिन वर्जिन मेरी मतलब पवित्र माता मरियम के साथ और स्वर्गदूतों और सभी संतों के साथ ट्रिनिटी मतलब त्रिएक ईश्वर के लिए प्यार के साथ मिलन होता है, इसको स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग मतलब एक एक जगह नहीं है, इट इज नॉट ए प्लेस, इट इज ये एक जगह नहीं, स्वर्ग एक अवस्था है। पवित्र परम पावन त्रिएक ईश्वर के साथ जो हमारे आत्मा हमारा जीवन मिलन होने का अवस्था को स्वर्ग बोलता है। यही कलेसिया का सिखावत है 1024। तो अभी पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे हृदय पर निवास है तो स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग हमारे हृदय पर है। तो इसलिए हमें गीत में लिया, पिता मेरे संग पुत्र मेरे संग स्वर्ग का राज है मुझ में। समझ में आया? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ जो जीवन है वो बहुत आनंदमय अवस्था है, बहुत आनंदमय अवस्था है। तो हम ये समझने से ऐसा नहीं समझना चाहिए हम ये आसमान के ऊपर एक जगह है स्वर्ग, ऐसा नहीं। वो भी लिखा है कैटेकिज्म में पैराग्राफ 2794। हे पिता बिंदी सीखने वक्त, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, ऐसा प्रार्थना करते वक्त ये याद रखना, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है। ये प्रार्थना करते वक्त यह मत सोचा कि ये आसमान के नीचे एक जगह है स्वर्ग, नहीं ऐसा नहीं है। या तो द बिब्लिकल अभी यही हमारा सीखना, ये यह इट इज इट डज नॉट मीन गॉड इज इन ए स्पेस, इट इज नॉट ए स्पेस, इट इज नॉट ए स्पेस। वही लिखा है ये स्पेस को नहीं बल्कि शक्ति के संदिप्त करते हैं भगवान की दूरी महिमा नहीं, हम वे पिता कहीं और, वो पिता कहीं और नहीं है लेकिन पिता हमारे साथ है। जो प्रभु वो स्वर्ग पिता हमारे जो स्वर्ग में है बोलने से पिता हमसे बहुत दूर है मत सोचना, पिता हमारे साथ है, पुत्र हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। ठीक है, अभी बाकी हम बाद में जब मौका आएगा तो बताएंगे। अभी हम लोग देखो अभी भोजन के बाद क्या करना है वो मैं आपको अभी से बताएंगे। भोजन के बाद फिर आपका आप जो ग्रुप था वो ग्रुप बनाना चाहिए, तो अभी आप लोग ग्रुप में आइए और मैं उसको चालू करके फिर हम लोग खाने के लिए जाएगा। खाने के बाद आके सीधा आप वो ग्रुप पर आके जो मैं अभी बताएंगा वो चालू करना है। ठीक है, तो अभी ग्रुप बनाइए। अब जो ग्रुप में था ना वो
कुर्सी लेकर वहाँ पर आप ग्रुप बनाइए, मैं आपको बताएंगे क्या करना चाहिए। सब लोग वो अपना अपना ग्रुप बना के आइए। ഒരു രണ്ടി മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.